हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज आपको लेकर आइए पटना के विजय होटल में। यहाँ का मटन तो फेमस है ही, लेकिन यहाँ पे कलेजी, मटन का कलेजी काफ़ी फेमस हो रहा है। अभी काफ़ी गजब का बनाते हैं यहाँ के लोगों का कहना है। तो चलिए हम भी देखते हैं कैसे कैसे यहाँ का ये मटन कलेजी बनाया जाता है। मटन कलेजी होता है, गुर्दा होता है, तिल्ली होता है, देखते हैं कैसे कैसे बनता है और पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे बनने का। आदि लहसुन है हाँ, एक किलो है। किसके लिए है ये? मटन और कलेजी दोनों के लिए। मटन कलेजी दोनों में जाएगा ये? दोनों में जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये पीस के रख लेते हैं। हाँ। ये कितना प्याज इसमें काटिएगा? 30 किलो है आज। 30 किलो प्याज अकेला काट देते हैं? ना, अकेले काटबे करते हैं। अच्छा, जुगाड़ भी ले लिए, हाथ में लगे नहीं ये क्या? एक कढ़ाई कर दिए हैं सेट? हाँ, कढ़ाई चढ़ गया, कलेजी का कढ़ाई चढ़ गया। कलेजी का? हाँ, कलेजी का। तो इसमें जाएगा तेल? अच्छा, ये तेल गर्म हो गया है? हाँ, तेल गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद सीधा इसमें प्याज जाता है? प्याज जाता है। अच्छा, कितना प्याज डालिएगा? 2 किलो जाएगा। 1.5 किलो? काफ़ी गर्म हो गया है तेल, देखिए ना। हाँ, एकदम अलग तरीके का बन रहा है। हम लोग पहले थोड़ा ना डालते हैं, पहले से कुछ भी नहीं डालते हैं, सिर्फ तेल के बाद प्याज गया है इसमें। वो भी पहले पूरा तेल हीट कर देते हैं कि हाँ, वो घास खत्म हो जाता है, तेल का जो वो माँ होता है वो खत्म हो जाता है। हाँ, पक जाने के बाद जो है, देखिए मिर्चा सुखल जा रहा है। सुखने में कितना कलेजी बन रहा है अभी? 2.5 किलो बनेगा आज, संडे है ना। हाँ, आज कम बनेगा। अच्छा, इसको कोयला के आँच पे ही बनाते हैं? हाँ, कम दिन में। ये आ गया तेजपत्ता। हाँ, इसको गलाइएगा या लाल कीजिएगा? लाल होगा। लाल होगा, गलाना रहता तो कह रहा प्याज मिर्चा मसाला वसाला देख के बैठा देते, गल जाते हैं, तुरंत ही गल जाता है। प्याज हो गया पूरा एकदम लाल? हाँ, पूरा लाल हो गया। तो अब इसमें क्या जाएगा? अब इसमें जाएगा आधी लहसुन, आधी लहसुन का पेस्ट। हाँ, ये अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ, ये आधी लहसुन है। हाँ, लहसुन ज़्यादा है? दोनों बराबर है, बराबरे है। तो बस और डालिएगा, हो गया। हाँ, हो गया। ये क्या है? ये धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर, ये आ गया धनिया पाउडर। यह है हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर। ये क्या है? ये मिर्चा है। मिर्चा पाउडर। ये थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है। थोड़ा सा पानी जाएगा इसमें? हाँ, पानी जाएगा। अच्छा, इसको बनने में कितना टाइम लगता होगा टोटल? आधा घंटा प्याज गलाने में लगता है, आधा घंटा कलेजी बनाने में लगता है, 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लग जाता है? ये आ गया, जब हो गया अब कलेजी आएगा तो नमक और कलेजी डलाएगा। अच्छा, कलेजी अभी तक आया नहीं है? अभी ना आया है। ये कलेजी को साफ करते हैं। कितना कलेजी आया आज? 2.5 किलो। इसमें और कुछ है क्या? सिर्फ कलेजी है? कलेजी, गुर्दा। कलेजी गुर्दा दोनों होता? हाँ। है तो तिल्ली होगा। ये तिल्ली? हाँ, तिल्ली। ये सब गुर्दा। अच्छा, ये क्या बजे से लोग खाने के लिए आते हैं? 9 बजे से शुरू हो जाता है। 9 बजे से शुरू? हाँ, कलेजी कलेजी। ख़त्म कितना देर में हो जाता है ये? आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा में ख़त्म भी हो जाता है? ये 11-12 बजे में ख़त्म हो जाएगा। 11-12 बजे में ख़त्म। ये नमक आ गया, नमक पहले नहीं डाले थे? कलेजी डालने के बाद डालते हैं, अभी इसको मिला दिए हैं। इसे यहाँ पे खाना में क्या क्या होता है? जैसे अभी मिलेगा कलेजी गुर्दा। हाँ, तिल्ली, कोई आदमी तिल्ली खाया सुबह में, ये कलेजी गुर्दा लोग खाने के लिए आते हैं। हाँ, कलेजी रोटी, और उसके बाद 10 बजे से मटन। 10 बजे से मटन। हाँ। अच्छा, जब तक मटन तैयार होता है तब तक ये कलेजी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसका रेट क्या होता है कलेजी का? रेट बताए ना, जैसे 4 पीस कलेजी खा लीजिएगा ना। हाँ, 120 रुपया का 4 पीस मिलेगा। 4 पीस? 4 पीस। और उसके साथ में क्या देते हैं? चावल रोटी लीजिएगा तो 140 रुपया पड़ेगा। अच्छा, उसका अलग से लगता है। ये हो गया अब? नहीं, अभी अभी और टाइम है। बोले कि 9:30 में रेडी होगा। 9:30 बजे रेडी हो जाएगा। ऐसे लोग काफ़ी आ गए हैं कलेजी खाने के लिए। इसमें क्या चढ़ाइएगा? प्याज। अच्छा, गुलकी जीरा का पाउडर है। गुलकी जीरा ये बाद में डालते हैं? हाँ, बाद में।
धीरे धीरे जैसे होगा हुआ हाँ, खाली गरम मसाला मारेगा इसमें, वो अभी नहीं जाएगा गरम मसाला, उतारने घर जाएंगे लगभग। और कितना टाइम इस पर रहेगा अब? 10 मिनट और रहेगा। 10 मिनट और तो हल्के ताव पे इसको पका रहे हैं। ये बनते बनते प्लेट लगना शुरू हो जाता है। हाँ, ये ऑर्डर से रखा जाता है। हाँ, जैसे आदमी बोल के जाता है भूंजल कलेजी मेरा निकाल देते हैं। भूंजल कलेजी? हाँ। इसमें पानी भी डालते हैं क्या? हल्का पानी जाएगा, हल्का जाएगा, इसलिए भूंजा हुआ कलेजी पहले निकाल लेते हैं। ये दो प्लेट आ गया भूंजल कलेजी। भूंजल आपका भी निकाल दें? हाँ, एक प्लेट निकाल लीजिए, एक प्लेट भूंजा हुआ ले लेंगे। खाली कलेजी ना? हाँ, कलेजी ये दीजिएगा, उसमें गुर्दा दीजिएगा, इसमें कलेजी दीजिए। देखते हैं जलेबी कैसा हो गया। हाँ, प्याज भी झाड़ा है, 800 रुपये कलेजी बनेगा तो प्याज इधर, हाँ पानी इधर हो जाए, होता है ना, ये सब मिल गया एकदम। मेरा कलेजी के लाइटें कुछ और है, लाइटें बदल गया। इसमें और कलर आएगा अभी? अभी कलर आएगा, उतरेगा तब देखिए, उतरेगा तब कलर आएगा। कहा तब निकाल देव, अब लेबा तो ले ल। तो अब थोड़ा टाइम हो जाएगा। रसवा तो पानी है, मीठवा वाला तो रस्सा ढेर हो जाता है, गढ़ा रस्सा ना। कलेजी अब रेडी हो चुका है। हाँ, अब उतर उतरेगा, ये रेडी हो गया, अब कुछ नहीं जाएगा इसमें, खाली गरम मसाला जाएगा। अच्छा, गरम मसाला भी जाएगा इसमें। हाँ, अच्छा, ये खुद से बनाया हुआ गरम मसाला है। हाँ, सब अपना हाथ से। ये कौन सा पीस है? वो बोला दिल गुर्दा है। दिल गुर्दा है ये। हाँ, ये हो गया अब रेडी। हो गया रेडी, उतर के ये रखा गया। ये देखिए, ये कलेजी बन के हो चुका है रेडी, कलेजी गुर्दा, और देखने में क्या गजब का लग रहा है। आप कलर देख सकते हैं एकदम बेहतरीन। जब बन के रेडी हुआ उस समय इतना बेहतरीन कलर नहीं था, थोड़ा सा कम था, उस समय भी काफ़ी बेहतरीन था। अभी देखिए कितना गजब का लग रहा है। ये देखिए इसका साइज इतना बड़ा बड़ा होता है, एक प्लेट में 4 पीस ये होता है गुर्दा कलेजी। आप गुर्दा खाना चाहते हैं गुर्दा खा सकते हैं, कलेजी खाना चाहते हैं तो कलेजी खा सकते हैं। ये शायद गुर्दा है, ये तिल्ली है, तिल्ली है, ये तिल्ली है, ये दिल गुर्दा, और ये कलेजी आ गया। ये 3 चीज़ होता है इसमें। हाँ, देखिए सुबह सुबह बना और भैया प्लेट लगवा के खा रहे हैं, कैसा लगता है यहाँ का खाना? यहाँ हम लगभग आ रहे हैं पिछले साल से एक साल से, एक सप्ताह में। हाँ, एक बार आया था, संडे था, वीकेंड था। हाँ, आज आ गए। हाँ, इसका जो स्वाद है यहाँ पटना का, मौरिया हो गया, पिंड बलोची हो गया, हर जगह खाए। हाँ, बहुत बड़ा बड़ा होटल है उधर, सब जगह टेस्ट किए, लेकिन ऐसा टेस्ट आपको बिहार में कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी जो ये विजय होटल में मिल रहा है। गजब का टेस्ट होता है, बेहतरीन, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में है। जितना बैचलर रहता है पटना में, लगभग यहाँ आता है सब, बैचलर, बिजनेसमैन, व्यापारी सब आ जाते हैं, सब आते हैं, जो दूर दूर से अभी आएंगे सब्जी वगैरह लेके, हर लोग यहाँ आएंगे। और सबसे बड़ी बात है बैचलर को पैसा का दिक्कत होता है, कम पैसा में एक नंबर भोजन मिल जाता है। तो चलिए, मेरे लिए जो है प्लेट लग चुका है, ये कलेजी का और गुर्दा तिल्ली का, ये सभी होता है यहाँ पे, सुबह सुबह मिल जाता है खाने को। और सुबह में जो है लोग 9 बजे से ये खाने के लिए आते हैं, सिर्फ गुर्दा कलेजी यहाँ पे। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, उसे देखने में काफ़ी गजब का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या गजब का इसका कलर है, काफ़ी बेहतरीन ये आ गया। इसमें कलेजी ही कलेजी है, 4 पीस कलेजी, 120 रुपया का होता है ये। और इसमें देखिए 2 पीस है, 1 पीस गुर्दा और 1 पीस तिल्ली, तो इसका हो गया 60 रुपया। तो आप 2 पीस भी लेके खा सकते हैं यहाँ पे, और 4 पीस भी। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कलेजी को टेस्ट करेंगे, उसे हमसे रुका नहीं जा रहा है। और एक प्लेट में आपको नींबू मिर्च और ये चोखा भी दिया जाता है, आलू का भुना हुआ चोखा। तो ये आ गया रोटी, ओहो काफ़ी बेहतरीन, और इसका कलेजी का ग्रेवी, ये देखिए काफ़ी बेहतरीन। यहाँ का जो मटन होता है उससे काफ़ी अलग टेस्ट है, और ये कलेजी जो है भुना हुआ कलेजी है, इसमें पानी का यूज बाद में बिल्कुल नहीं किया गया है, प्याज को गलाने के लिए थोड़ा सा किया गया है। ये हो गया भुना हुआ कलेजी, इसका स्वाद एक नंबर है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ये तिल्ली और इसका ग्रेवी लेंगे, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इसमें पानी नहीं डाला गया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाला गया है।
बाकी हर चीज़ सेम है। एक इसमें जो है गरम मसाला का बिल्कुल स्वाद नहीं होता है, क्योंकि जब हम निकलवाए थे उस समय इसमें गरम मसाला नहीं डाला गया था, लेकिन इसमें एकदम खुल के गरम मसाला का स्वाद आ रहा है और काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ का मटन तो लाजवाब होता ही है, ये भी एकदम खाने में मज़ा आ रहा है। तो क्या करें, हम लेंगे, ये देखिए पीस आ गया। ओहो, काफ़ी बेहतरीन तरीके से पका हुआ है, ये कैसे टूट रहा है ये देख रहे हैं, पूरा एकदम हार्ड हो गया है। तो इसको चेक करेंगे और इसको तोड़ेंगे, ये टूट गया देखिए, पूरा एकदम टूट गया है सभी के सभी पीस। ये आ गया पीस और थोड़ा सा ग्रेवी। काफ़ी स्वादिष्ट। ये आ गया तिल्ली देखिए। इसे तिल्ली आज से पहले नहीं खाए थे, मटन में भी नहीं खाए थे, इसको खाने में एकदम बेहतरीन लग रहा है। आराम से ये दबाने के बाद टूट जा रहा है, वो खाने में मज़ा आता है इसको। तो क्या करें, हम जल्दी जल्दी इस प्लेट को ख़त्म करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जगह के साथ, अच्छे खाना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।